हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे अपने चैप्टर पढ़ाते हैं, क्योंकि बातें करने के लिए अपन लोग ऑफलाइन कोचिंग में बहुत टाइम मिल जाएगा। जब ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो वहाँ अपन फेस टू फेस आपस में अच्छे से बातें करेंगे, सब्जेक्ट की भी बात करेंगे और भी कुछ बातें कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप घर पर होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ते रहना भाई। बोर्ड की एग्ज़ाम तो आपको देनी देनी है। हाँ तो भाई, अपनी बात चल रही थी सॉलिसिटेट की, और सॉलिसिटेट की बात में हमने यहाँ तक कह दिया था कि सॉलिसिटेट के अंदर दो तरह के सॉलिड होते हैं। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको आपने बोला था क्रिस्टलीय ठोस, और एक अपने पास होता है अमोर्फस सॉलिड, जिसको आपने बोला था अक्रिस्टलीय ठोस। हमने उनके गुणों की बात कर ली थी कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है उसके अंदर पार्टिकल व्यवस्थित तरीके से जमे होते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड होता है उसके अंदर पार्टिकल की नियमित व्यवस्था नहीं पाई जाती। हमने ये भी कहा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि आपके जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं वो आभासी ठोस, जिसे आपने स्यूडो सॉलिड कहा था। हमने ये भी कहा था कि जो अमोर्फस सॉलिड है और उनको अपन सुपर कूल लिक्विड यानी अति शांत द्रव होता है उसके नाम से जानते हैं। फिर हमने बात करी थी एनाइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक की, कि जो अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि अपने अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं। पता था आपको एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होगा, कि दिशा परिवर्तन के साथ अगर भौतिक गुणों के मान के अंदर भिन्नता आ रही है उसे बोलेंगे विषमदेशिक, अगर दिशा परिवर्तन के साथ भौतिक गुणों के मान में समानता आ रही है उसको बोलेंगे समदेशिक। फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट था, हमने कहा था कि जो आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके जो गलनांक होते हैं वो शार्प होते हैं भाई। उनका तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, शार्प। शार्प मतलब फिक्स होगा, उससे ना तो कम पे उससे ना ज़्यादा पे वो मेल्ट नहीं होगा, परमानेंट टेम्परेचर मेल्ट होगा वो, फिक्स टेम्परेचर उसको हम बोलते हैं। जबकि अमोर्फस सॉलिड में हमने कहा था कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक रेंज के अंदर होता है, यानी रेंज के अंदर मेल्ट होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होगा, यही बात थी। उसके बाद हम ये कह रहे थे कि जो आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको आप अमोर्फस सॉलिड के अंदर चेंज कर सकते हो। उस जो प्रोसेस जो था कि आप क्रिस्टलीय ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस में कैसे चेंज करोगे, उसको बताया था मैंने आपको एनीलिंग। इसके अलावा हम ये भी बात कर चुके थे कि जो आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो पांच प्रकार के हैं मेनली, जबकि आपकी बुक के अंदर चार ही है, और चार की बात मैंने आपके सामने की थी। एक तो आयनिक ठोस, एक धात्विक ठोस जिसे आपने बोला था मेटेलिक सॉलिड, एक अपने पास होता है कोवेलेंट सॉलिड जिसको हम बोलते हैं सहसंयोजक ठोस, और एक अपने पास होता है कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसको हम बोलते हैं आणविक ठोस, यही बात थी। अब मैं आज आपको थोड़े से अट्रैक्शन की बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कई विद्यार्थियों की प्रॉब्लम आई है मेरे पास कि सर हमको केमिकल बॉन्डिंग का कुछ अंदाजा नहीं है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अंत आणविक आकर्षण बल कौन कौन से होते हैं, यही बात थी, कुछ समस्या थी आपके पास। उससे पहले मैं आपके पास जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड चले थे उनके अंदर मैंने आपको चार्ट बनवाया था, एक आयनिक सॉलिड का, मेटेलिक सॉलिड का, कोवेलेंट सॉलिड का और मॉलिक्यूलर सॉलिड का, यानी अपन आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस और अपने पास हो गए सहसंयोजक ठोस, इनकी बात की थी मैंने, यही बात थी। तो आज सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ आपको आयनिक सॉलिड, कि आयनिक सॉलिड कैसे बनते हैं भाई। आयनिक सॉलिड देखो, जब भी बात आयनिक सॉलिड की आएगी तो मैंने कहा था जब भी आप सॉलिड की बात करते हो तो सॉलिड के अंदर होते हैं एटम्स, आयन या पार्टिकल, एटम आयन या मॉलिक्यूल होंगे। तो अगर बात आयनिक सॉलिड की अगर आप कर रहे हो, अगर आप बात आयनिक ठोस की कर रहे हो, तो पक्की बात ये होगी कि इस सॉलिड का जो निर्माण करेंगे वो सारे क्या होंगे, आयन होंगे, पता होंगे नहीं होंगे भाई। अगर आप आयनिक सॉलिड बना रहे हो तो 100% बात होगी कि इसको बनाने वाले जो पार्टिकल होंगे, जो अणु होंगे, वो क्या होंगे, आयन। और आयन आपको दो तरह जानते हो, एक तो अपने पास होता है कैटायन जिसको आप बोलते हो धनायन, और एक पास होता है एनायन जिसको आप बोलते हो ऋणायन। दो ही तरह के आयन होंगे, एक तो कैटायन होगा और एक एनायन होगा। सुनना बात ध्यान से, कैटायन क्या बोलते हैं हम, धनायन, हिंदी में क्या बोलते हैं, धनायन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ऋणायन, यही होगा। एक तो पास धनायन होगा और एक पास क्या होगा, ऋणायन। आप जानते जैसे मैं बात करूँ NaCl की, NaCl तो आप जानते हो NaCl सॉलिड स्टेट के अंदर पाया जाता है, मतलब आप NaCl को जब आप गर्म हीट करते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज होंगे इसके, और ये क्या बन जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। मैं कहूँगा ये तो बन गया एनायन और ये बन गया अपने पास कैटायन, यानी ये तो बन गया धनायन और ये बन गया ऋणायन। मतलब इस सॉलिड का जो निर्माण हुआ होगा वो धनायन ऋणायन मिलकर बनकर हुआ होगा, और धनायन ऋणायन से मिलकर जो सॉलिड बनते हैं उसको बोलते हैं अपन आयनिक सॉलिड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो NaCl होगा ना वो कौन सा सॉलिड होगा भाई, आयनिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड होगा, आयनिक सॉलिड। और आप जानते हो जब भी प्लस और माइनस की मैं बात करता हूँ, जब भी आप प्लस और माइनस, आप फिजिक्स में पढ़ भी रहे हो, पहले चैप्टर जो आपकी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसके अंदर आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। जब भी आप प्लस और माइनस की बात करते हो तो मैं कहता हूँ जब दो विपरीत आवेश आते हैं, अपोजिट चार्ज है ही नहीं, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला, जब भी दो अपोजिट चार्ज यानी जब भी दो विपरीत आवेश आते हैं तो बताओ उनके अंदर आकर्षण बल काम करता है नहीं करता। अगर मान लो मैं प्लस का प्लस से बात करूँ तो समान आवेशों के मध्य तो क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है भाई, आकर्षण, यानी इसको अट्रैक्ट करेगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा।
भाई जब अपोजिट चार्ज आएंगे तो उनके बीच तो अट्रैक्शन होगा, यानी जब जो विपरीत आवेश आएंगे तो उनके मध्य तो क्या होगा आकर्षण। अब जब जो समान आवेश आएंगे तो उनके मध्य क्या होगा भाई प्रतिकर्षण। बात समझ आइए, सेम चार्ज जब आते हैं तो उनके बीच होता है रिपल्शन, लेकिन जब अपोजिट चार्ज आते हैं तो उनके बीच क्या होता है भाई अट्रैक्शन। और आप जानते हो जब जब केमिस्ट्री के अंदर अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाता है, यानी जब जब केमिस्ट्री के अंदर आकर्षण बल प्रभावी होंगे तब तब वहां से ऊर्जा का क्या होता है विमोचन, यानी वहां से ऊर्जा क्या हो जाती है बाहर। मैं कहूंगा डेल्टा एच का मान क्या जाएगा वहां पे नेगेटिव। और आप जानते हो जब डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है तो प्रक्रम कैसा हो जाता है भाई ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेप जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको एक्सोथर्मिक, मतलब जब भी आयनिक बंध बनेंगे तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, अगर ऊर्जा बाहर निकलेगी तो बताओ स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो मैं कहूँगा प्रक्रम बताओ स्थायी होगा कि नहीं होगा। तो मैं कहूँगा आपके पास जो आयनिक सॉलिड है बताओ स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे। ऑफिशियली बात है कि उनके अंदर बॉन्डिंग अट्रैक्शन अच्छा है तो ऑफिशियली स्ट्रॉन्ग होने होने। अब एक बात आती है कि जो आपके पास आयनिक सॉलिड है उसके अंदर बॉन्डिंग कैसी होगी, सुनो बात है, आपके पास जो आयनिक सॉलिड है उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग होती है आयनिक बॉन्डिंग, यानी आयनिक बंध बनता है इसके अंदर। कौन सा बंध बनता है आयनिक बंध, इसको बोलते हैं हिंदी में आयनिक बंध। और कहा जाता है कि जो आयनिक बंध होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शन मतलब क्या होता है अदिशात्मक, जिनकी कोई दिशा नहीं होती। नॉन डायरेक्शन मतलब क्या होता है अदिशात्मक, जिसकी कोई दिशा नहीं होती। सर कैसे कैसे ये नॉन डायरेक्शन, सुनो बात ध्यान से। जैसे मान लो आपके पास एन ए प्लस था, ये था एन ए प्लस, अब जो भी नेगेटिव चार्ज आएगा वो कोई फिक्स थोड़ी है कि इधर से ही आएगा, वो मैं कहूंगा इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। आपकी इच्छा जिधर से लेके आओ उसको आना तो यहीं पे है, और उसकी कोई दिशा होगी क्या फिक्स, कोई दिशा नहीं होती। आयनिक बंध की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए इन बंधों को बोलते हैं पर अदिशात्मक। क्या बोलते हैं अदिशात्मक, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव है, अब नेगेटिव यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, तरह कहीं से भी आप लेके आ सकते हो, जहां जहां स्पेस खाली होगा वहां से आके अटैक करेगा। तो बताओ अदिशात्मक प्रकृति की होंगी नहीं होंगी। तो ये थोड़ी बात थी आयनिक बंध की। तो पता लग गया आपको आयनिक बंध क्या होता है, कि आयनों के मध्य बनने वाला आकर्षण बल कहलाता है आयनिक बंध, और आयनिक बंध प्रकृति में क्या होते हैं अदिशात्मक, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। पता लग गया आपको कैसे होता है। चलो भाई मैं जो बात करने वाला था आपके सामने वो बात कुछ ये थी, सुनो भाई मैं बात करने वाला था आपके पास मेटलिक बॉन्ड की। कल कहा था मैंने आपसे कि मैं बात करूंगा मेटलिक बॉन्ड की, कि मेटलिक बॉन्ड बनता कैसे। सुनो बात ध्यान से भाई, मेटलिक बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा जब भी आप धात्विक बंध, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको धात्विक बंध, धात्विक बंध, जब भी आप धात्विक बंध की बात करते हो तो सीधी बात ये होगी जब भी धात्विक बंध बनेंगे वो धातुओं के मध्य बनेंगे। और धातुओं का गुण क्या होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना। क्या गुण होता है भाई, धातुओं की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करना, वो चाहती है कि अपना इलेक्ट्रॉन को ले जाए। जैसे आपने पढ़ा होगा Na, Na जब ठोस अवस्था में होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 यही होता है। और जब आप इसे इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, यानी मैं यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालूँ तो इलेक्ट्रॉन यहीं से जाएगा वैलेंस शेल से, तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6। मैं कहूँगा विन्यास ही हो गया, और ये विन्यास किसके बराबर होता है भाई नियोन के। मैं कहूँगा आपने नोबल गैस का विन्यास प्राप्त कर लिया, इसको उत्तर से बोलते हैं भाई नोबल गैस। और आप जानते हो नोबल गैस कभी बंद नहीं बनाते क्योंकि उनका विन्यास क्या होता है स्थायी। तो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागना क्यों चाहती है, अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसके पास जो विन्यास आ जाएगा वो नियोन का जाएगा, और नियोन का जाएगा तो मैं कहूँगा उनके पास विन्यास किसका जाएगा उत्कर्ष गैस का। अगर किसी के पास नोबल गैस का विन्यास आ रहा है तो मैं कहूँगा बताओ स्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो मेटल चाहेगी है ना कि मैं इलेक्ट्रॉन त्याग दूँ और क्या बना लूँ यहाँ पे Na पॉजिटिव, ये तो बात है। और इनके मध्य जो बॉन्ड बनेंगे बताओ मेटलिक बॉन्ड होंगे कि नहीं होंगे, सीधी बात होंगी। अब सुनो बात ध्यान से, मैं क्या कहने वाला था आपके सामने कि मान लो कोई मेटल है N, धातु ये 90% सॉलिड अवस्था में होती है, बस अपवाद है इसका मरकरी। मरकरी किस में होती है लिक्विड के अंदर, पढ़ाया जाता है ना मरकरी एक लिक्विड स्टेट, बाकी सारी धातु कौन सी अवस्था में होती है ठोस अवस्था में। सुनो तो बात ध्यान से, अगर मैं धातु से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, सुनो बात ध्यान से, मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ऐसे मान लो आप कि मैंने एन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितने, जैसे मान लो अगर आपके पास सोडियम धातु है, अगर आप इसे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसके ऊपर चार्ज प्लस आएगा या नहीं आएगा, एक प्लस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दो निकालोगे कितने आएगा 2+, 3 निकालो 3+। तो मैं कह सकता हूँ अगर मान लो मैं इससे एन इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ भाई, एक निकाला तो चार्ज प्लस, दो निकाला तो 2+, 3 निकाला 3+। अब मान लो मैं अगर एन इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो चार्ज बताओ एन प्लस आएगा या नहीं आएगा इसके ऊपर, आएगा ही नहीं आएगा, सीधी बात है। तो अगर मान लो मैं एम से एन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ, अब एन कितने भी हो सकते हैं 1, 2, 3, तो मैं कहूँगा यहाँ पे चार्ज क्या आएगा प्लस है। जैसे मान लो एक निकालते तो प्लस 1 हो जाता,
दो निकालते तो प्लस टू हो जाता, तीन निकालते तो प्लस थ्री होता, ऐसे। तो जो बनने वाला मेटल आयन है, सुना बात जैसे मेटली बोन कैसे बनता है, बता रहा हूँ आपको कि मेटली बोन बनने के भाई कोई भी आप इस चीज को पढ़ाया जाता है आपको कि कोई भी धातु मुक्त अवस्था के अंदर यानी इस अवस्था के अंदर बंध का निर्माण तो नहीं करिए ना, या तो इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या इसको इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो धातु का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना ना कि इलेक्ट्रॉन लेना। कुछ विशेष केस ही होते हैं जिनके अंदर धातु इलेक्ट्रॉन ले लेती है, बाकी 90% केसों के अंदर धातु इलेक्ट्रॉन देती है। अब सुनो, यहाँ से चार्ज प्लस आना जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वहाँ निकल जाएंगे। अब सुनो, अगर किसी धातु ने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बनने वाला जो धातु आयन है, अब ये धातु नहीं है, ये तो धातु थी मेटल, ये बन गया धातु आयन क्योंकि इसके ऊपर आ गया चार्ज, और चार्ज को क्या बोलते हैं, आयन। बनेगा नहीं बनेगा, जैसे किसी धातु ने इलेक्ट्रॉन दिए तो बन गया धातु आयन। बनने वाला धातु आयन ये कहलाता है भाई कर्णेल, क्या कहलाता है कर्णेल। बनने वाला धातु आयन क्या कहलाता है कर्णेल। और जो इलेक्ट्रॉन इसने बाहर छोड़ दिए, सुने ध्यान से, जब भी किसी धातु आयन से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हो और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो धातु आयन आपको प्राप्त हो जाता है, जब भी किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब जो आपको धातु आयन प्राप्त होता है उस धातु आयन को बोलते हैं हम कर्णेल, क्या बोलते हैं कर्णेल। और जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं उसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये हर किसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाता है, जैसे आपके पास मोबाइल है कहीं भी लेके जा सकते हो आप, वैसा ये होता है कि जैसे धातु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो त्यागने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो दिशाओं में घूमेंगे, अलग अलग घूमेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन का नाम क्या दे दिया मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और जो धातु आयन प्राप्त हुआ है उसको बोलते हैं अपन कर्णेल, क्या बोलते हैं कर्णेल। कहा जाता है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे भाई, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे भाई, प्लस चार्ज आ गया माइनस चार्ज आ गया, बताओ अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा था जब भी अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, और अगर एनर्जी बाहर निकलेगी तो डेल्टा एच का मान नेगेटिव आएगा, और डेल्टा एच का मान नेगेटिव आएगा तो बताओ बंद स्ट्रॉन्ग बनेगा नहीं बनेगा। तो हम कहते हैं धातु बंद क्या होते हैं प्रकृति में मजबूत, क्यों होते हैं मजबूत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने से इनके बीच जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा एनर्जी रिमूव होगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो कहेंगे धातु बंद प्रकृति में क्या होते हैं मजबूत। तो ध्यान, अगर आपसे कोई बोले बताओ धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो स्पीसीज बनती है उसको क्या बोलते हैं हम कर्णेल, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कहा जाता है एक सिद्धांत था डूर लॉरेंस का, लॉरेंस था उसका नाम, लॉरेंस ओरेंज नहीं है लॉरेंस है, लॉरेंस व डूर दो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने कहा था कि जब भी आप किसी भी धातु आयन को डालते हो तो धातु आयनों का समुद्र बन जाता है, ऐसे ऐसे समुद्र बन जाता है, ऐसे उस समुद्र के अंदर धातु आयन होंगे और साथ में कौन होंगे इलेक्ट्रॉन, ऐसे होता है। जब भी कभी धातु आयन को आप किसी में डालोगे तो धातु आयनों का समुद्र बन जाता है और इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं ऐसे, मूव करते रहते हैं फ्रीली ऐसे, तो ये अट्रैक्शन होता रहता है इनके अंदर, जैसे जैसे अट्रैक्शन होता जाएगा वैसे वैसे बंद क्या होता जाएगा मजबूत होता जाता है। इस बंद को बोलते हैं अपन मेटलिक बंद, यानी जो धातुविक बंद बनते हैं वो किसके बीच बनते हैं कर्णेल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच। बात समझ में आ रही है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा भाई, डिपेंड तो इसके ऊपर ही कर रहा है ना, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतनी ज़्यादा बंद के अंदर क्या आएगी स्टेबिलिटी। इसलिए कहते हो कि सोडियम जो होती है वो मुलायम धातु होती है, कहते हो ना कि सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन आयरन को, जानते ना आयरन लोहा जिसके अपन मकान आकार बनाते हैं, क्या आयरन को आप चाकू से काट सकते हो, क्या क्यों नहीं काट सकते, देखो आप क्यों नहीं काट सकते, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता ही नहीं होता, 26 होगा तो क्या आएगा नियोन ले लूँ एक तो मैं, वो आर्गन 18 तो उसके अंदर आ जाएंगे, और आता है इलेक्ट्रॉन विन्यास बनना 18 तो उसके अंदर आ जाएंगे, और क्या आएगा 3H2 3P4 ये आएगा, ये और कुछ आएगा, देखो अगर मैं आयरन की बात करूं तो विन्यास आएगा 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 ये आएगा, और कितना आएगा 4H2 3D 4 हो गया ना, गिन लो 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 18 4 22 2 24 ये 3D6 हो गया, 3D6 4H2 अब सही है, ये हो गया भाई तुमको उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास यही तो होगा 3D6 4H2 ये होगा, अरे ये होगा कि नहीं होगा। अब देखो आप, तो आप कहते हो कि धातु जो आयरन है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकती है, दो, जैसे दो इलेक्ट्रॉन देगी इसके पास कितने 3D6 पता होंगे नहीं होंगे, तो देखो आप 3D6 को कैसे भरते हो आप, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 1 2 3 और 4 कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन और दे सकती है अभी तक 4, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बचेंगे बताओ बंद मजबूत होगा ही नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि सोडियम तो होती है मुलायम धातु और आयरन क्या होती है मजबूत धातु, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक ही होता है अनपेड, यहाँ इलेक्ट्रॉन चार चार और बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी, पता स्ट्रॉन्ग होगी नहीं होगी, तो ये तो मजबूत धातु होगी, और वो अपना क्या होगी
मुलायम धातु, ये बात थी उनके पास। तो ये तो बात करता हूँ मेटेलिक बॉन्ड की, बस मैं गया आपको कि मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनते हैं कि धातु आयन जब धातु अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागती है तो बनने वाले जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं उनको तो बोलते हैं अपने मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और जो बनने वाला धातु आयन वो कहलाता है अपने पास कर्नेल। और कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यानी अट्रैक्शन के कारण जिस बंध का निर्माण होता है उस बंध को बोलते हैं अपन धात्विक बंध। ये बात थी। तीसरी बात इंपॉर्टेंट बात, और उसी बात पे राजस्थान बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था भाई 2018-19 पता नहीं इस चीज़ का मेरे को, लेकिन पूछा था कौन सा सॉलिड भाई कोवेलेंट सॉलिड, उसने पूछा था बताऊंगा अभी क्या पूछा था, सुना जाए। कोवेलेंट सॉलिड का जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। इस चीज़ को आप, मैंने नोट लगा लिखा रखा है वहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात है भाई कि कोवेलेंट सॉलिड का जो दूसरा नाम होता है वो होता है नेटवर्क सॉलिड। इसे नेटवर्क ठोस यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ओनली फॉर ओनली कोवेलेंट सॉलिड। सर ऐसा क्यों? आपने पढ़ा है कोवेलेंट सॉलिड का, मैंने आपको एग्जांपल बताया था हीरा और ग्रेफाइट। अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं, सुना बात ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कोवेलेंट सॉलिड का दूसरा नाम क्या होता है नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल जो भी यौगिक है एक नेटवर्क यानी मैं कहूंगा जाल का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? जाल का। आपको 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर पढ़ाया जाता है हीरा और ग्रेफाइट की संरचना, फुल रिंग की संरचना अगर आप देखियो तो मैं कहूंगा पूरा एक केज यानी पूरा एक जाल का निर्माण कर लेता है, मैं कहूंगा पूरा एक नेटवर्क बन जाता है। नेटवर्क जानते हैं ना, यहाँ से कनेक्टेड है वहाँ से कनेक्टेड, यानी एक एटम हजारों एटम से कनेक्टेड होता है, उसे बोलते हैं अपन नेटवर्क। कैसे? अगर मैं बात करूँ ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट कैसे दिखता है, और ग्रेफाइट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा अभी आपको। ग्रेफाइट कैसा होता है? ऐसा परते होती है, एक के ऊपर एक परते की सक्सेसिटी जब तो मुलायम होता ही है, ऐसा ही तो होता है ग्रेफाइट। देखो आप, ये एटम इससे भी बॉन्डेड है, इससे भी बॉन्डेड है, इससे बॉन्डेड है, ये एटम इससे बॉन्डेड है, इससे बॉन्डेड, अभी तो वो चलेगी ना आगे, पता थोड़ी है कितना बड़ी है, परत बहुत बड़ी होती है इसकी। नेटवर्क सॉलिड है। कौन सा सॉलिड है? नेटवर्क। जैसे अपने हीरे की बात करें तो हीरे में ऐसा नहीं होता क्या, जुड़ता चला जाएगा, फिर यहाँ जुड़ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जुड़ता चला जाएगा, एक नेटवर्क का निर्माण हो जाएगा खड़े, मतलब क्या है, नेटवर्क बन जाएगा जाल। इसलिए कोवेलेंट सॉलिड को क्या बोलते हैं अपन, नेटवर्क सॉलिड, यानी इसके अंदर किसका निर्माण होता है, जाल का निर्माण होता है। तो एक बार राजस्थान बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी एक नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल दीजिए, तो आपको हीरा बताना था या ग्रेफाइट, अपने आप सिंपल हो जाता। कोई भी एक नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल दीजिए तो आप या तो हीरा लिख दो या डायमंड लिख दो या ग्रेफाइट लिख दो, दोनों ही किसके एग्जांपल होते हैं, नेटवर्क सॉलिड के। अब मैं आपको बताने वाला था, पता लग गया आपको नेटवर्क सॉलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक जो एटम है एक से ज्यादा एटम से क्या है बॉन्डेड, एक जाल का निर्माण कर लिया। देखो दिख रहा होगा आपको जाल जैसा, एक जाल का निर्माण कर लिया। हीरे में भी ऐसा होता है, बना नहीं सकते अपने, वो 3D होता है वो, एक जाल का निर्माण कर लिया, इसलिए इनको बोलते हैं अपन नेटवर्क सॉलिड। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था आपको, वो देखो बात क्या है, वो आगे चलती है तो मैं सिलेबस चलती नहीं, फिर भी मैं डिस्कस कर ही लेता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप देखो अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, तो इस कार्बन कोई से कार्बन बात करूं, क्योंकि ये जुड़ते चले जाएंगे आगे, बताओ अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, तो इस कार्बन के ऊपर संकरण होता है sp2। संकरण क्या होता है? sp2। अगर sp2 संकरण होगा तो बताओ एक p ऑर्बिटल बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। और जो p ऑर्बिटल होते हैं असंकरित वो होते हैं परपेंडिकुलर, क्या होते हैं? लंबवत। क्या होते हैं? लंबवत। पढ़ाया जाता है आपको 11th के अंदर केमिकल बॉन्डिंग। आप कहते हो ना ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है, वो देखो सुचालक होती है तो होती कैसे, ऐसा होता है। आपने कहा है कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत की क्या होती है, सुचालक। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था आप किसी सॉलिड को कैसे प्रूव करोगे कि वो क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस। ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। आज मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है मतलब जो ग्रेफाइट है वो नेचर के अंदर होगा एन आइसोट्रोपिक। कैसा होगा? विषम देशी। कैसा होगा ये? विषम देशी। आज हम ये प्रूव कर देंगे कि आपके पास जो ये ग्रेफाइट दिया गया है ना, जैसे मान लो मैं आपसे कहता कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि ग्रेफाइट प्रकृति के अंदर विषम देशी होते हैं, आप कैसे सिद्ध करोगे, एक मिनट, आप कैसे सिद्ध करोगे कि जो ग्रेफाइट होते हैं वो प्रकृति में कैसे होते हैं भाई, विषमदेशी। आप कैसे सिद्ध करोगे कि जो ग्रेफाइट होते हैं प्रकृति में क्या होते हैं, विषमदेशी। आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि सर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो साहब विषमदेशी हो गए, वो तो सभी जानते हैं। आप कैसे बताओगे कि वाकई में ये विषमदेशी है? तो देखो कैसे पता लगाएंगे, ये तो पता है आपको सबके ऊपर संकरण sp2 होगा, क्योंकि ये अभी तो और जुड़ेगा ना, अपने तो सिंपल एक चेन बनाई छोटी सी, ठीक है, और सबके पास एक एक p ऑर्बिटल होगा, और एक p ऑर्बिटल के अंदर बताओ एक इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के देखो ना इलेक्ट्रॉन विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p4 और 2 4 2p2
यही होगा। अब देखो 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, ये 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो गए और 2p में कितने हो गए, ये दो। अब आप उत्तेजी अवस्था लेके आओगे इसकी तो 2s के अंदर एक और 2p में कितने चले जाएंगे, एक दो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जम कर जाएगा, तीन। संकरण sp2 है तो ये तो sp2 हो गया, बताओ एक इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा। और ये इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, pz के अंदर, बताओ pz जो ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे। बात सुनिए, वापस सुनो बात ध्यान से, कई विद्यार्थियों को देखो संकरण समझ में नहीं आता। अब देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर आपने 11th के अंदर केमिकल मॉडलिंग नहीं पढ़ी तो उसमें भाई मैं क्या कर सकता हूँ, जितना हो सकता है फिर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखो आप ध्यान से, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और 6 के अंदर विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p ये संयोजकता कोष है। अगर मैं ग्राउंड स्टेट के अंदर इसका विन्यास लिखूं तो 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे आप, दो, और 2p के अंदर कितने रखोगे, दो ही तो है भाई, ये एक, ये दो, इसका होगा ps, ये py और ये pz, ये 2px 2py और 2pz। इस टाइम मैं कहूंगा आपको पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बंध का निर्माण करते हैं। अगर मैं इस टाइम बात करूं तो ये ओनली दो बंध बना सकता है, मेरे को संकर चाहिए sp2 और sp2 बंध कितने बनाए, मेरे को तीन, मैं तो मेरे को इलेक्ट्रॉन जम करवाना पड़ेगा तो मैं किस में ले जाऊंगा इसको, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, या 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जम कर यहां चला जाएगा यहां पे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गया, pz के अंदर गया कि नहीं गया, और यहां पे संकरण हो जाएगा अपने पास sp2 और ये बन जाएगा अपने पास असंकरित कक्षक। जो संकरण में भाग नहीं लेते उनको क्या बोलते हैं, हम असंकरित कक्षक। और असंकरित कक्षक हमेशा संकरित कक्षकों के क्या होते हैं, लंबवत, परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये मैं कहूंगा ये कक्षा कौन सा है, पीजेडी तो है, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है सबके पास, एक एक इलेक्ट्रॉन, देखो है इलेक्ट्रॉन एक एक, देखिए जाना कैसे प्रूव करेंगे ये विषमदेशी होते हैं, ऐसा ही यहां पे होगा। लेकिन देखना कॉम्पिटिशन के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा आपसे, बच्चे अच्छे से गफला खा जाते हैं इसके अंदर, देखे जाना आप, लेकिन आपको गफला नहीं खाना बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने पहले कहा था अगर रट के जाओगे तो मामला खराब हो जाएगा, और बिना रटे जाओगे और समझ के जाओगे तो आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे किसी भी लेवल का आप आराम से उसका आंसर दे सकते हो। अब सुनो बात ध्यान से, आप कहते हो कि जो ग्रेफाइट है, जो ग्रेफाइट है विद्युत की सुचालक, ग्रेफाइट जो है विद्युत की सुचालक होती है साहब, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, लेकिन कुचालक भी होती है, ये सुचालक भी है और कुचालक भी है, यानी ये कंडक्टर भी है और इंसुलेटर भी है, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि आप किस नजरिए से देख रहे हो, और एग्जाम में वो नजरिया पूछता है, देगा कौन सा नजरिया और आप जाने किस नजरिए का आंसर दे के आ जाओगे, क्योंकि आप तो एक ही चीज जानते हो कि अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है, ये पढ़ाया आपने कि अपवाद है साहब ये तो, कि ग्रेफाइट जो होती है विद्युत की क्या होती है, सुचालक, कोई अपवाद नहीं होता भाई, समझो कॉन्सेप्ट को, ये नहीं है कि ग्रेफाइट है तो विद्युत सुचालक हो गई, क्यों हो गई ये तो समझो कम से कम आप, कि जो विद्युत की सुचालक है तो सुचालक क्यों है, कोई ना कोई तो ऐसा रीजन होगा जिसके कारण ये विद्युत क्या हो जाती है, सुचालक, यानी मैं कहूँगा ये कंडक्टर भी होती है और इंसुलेटर भी होती है, यानी सुचालक भी होती है और कुचालक भी होती है, वो डिपेंड करता है नजरिए कि आपने किस नजरिए से ये बोला है कि ये सुचालक है या कुचालक। देखो आप, मैं दोनों नजरिए बता रहा हूँ आप, सुचालक वाला भी और कुचालक वाला भी, तो एग्जाम में देख लेना आप वो किसकी बात कर रहा है, वो कंडक्टिविटी की बात कर रहा है या इंसुलेटिविटी की, यानी वो चालकता की बात कर रहा है या अचालकता की। सुनो बात ध्यान से, हमको ये तो पता था कि इन्होंने sp2 संकरण बना कर लिया, तो ये तीन ऑर्बिटल तो गए, अब कौन सा रह गया, ये वाला, और इसके पास कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है भाई, एक। और आपको पढ़ाया जाता है कि अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बताओ, मैं कहूँगा चुंबकत्व, यानी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं नहीं करते भाई, पढ़ा ना आपने मैग्नेट, अरे वो नहीं पढ़ा आपने बोर मैग्नेटोन वाला, अंडर रूट Nn+2 बोर मैग्नेटोन, किसी भी कंपाउंड का चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो आप, n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी चुंबकीय आघूर्ण आता है किसकी वजह से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट भी जिससे आता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से, बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अब क्या करोगे आप, सुनो ध्यान से, एक तरीका तो मेरे पास यहाँ से, मान लो ये जो प्लेन है ये ऐसे ए परत, ऐसे ए परत, एक परत तो यहाँ पे, एक परत यहाँ पे, और दोनों के बीच में, इन दोनों परतों के बीच में कुछ डिस्टेंस है भाई, इसको मैं बोल देता हूँ डिस्टेंस एक्स, एक्स डेल्टा एक्स मान लो, कैसे, एक परत ऊपर एक परत नीचे, इसके ये ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर, वैसे 3D होता तो मैं समझा देता आपको, अभी तो आप समझ लो इतना सा, एक परत तो ऐसे ही रहे, एक परत ऐसे, ऐसे तिरछी परतें होती है, ये परतें कैसे होती है, तिरछी, एक ऐसे नहीं तो ऊपर नीचे, ऐसे होती है तिरछी परतें, तो एक परत ऊपर आ गई, एक परत नीचे आ गई, और इनके बीच में कुछ ये बीच की जो दूरी है, देखो ये जो दूरी आ रही है बता रहा हूँ आपको, ये वाली दूरी, ये डेल्टा होगी एक्स, ऐसा होगा। अगर मान लो मैं यहाँ से, सुना ध्यान से, एक परत तो ये रही मेरे पास, एक परत ये रही, अगर मैं इस डायरेक्शन से, कौन सी परत से, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं इस दिशा से, इस डायरेक्शन से, जहाँ पे परतें बैठी हुई हैं ऐसे, अगर यहाँ से मैं अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करूँगा,
जैसे मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा तो बताओ यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, सुनना ध्यान से भाई। आपके पास ये ऑर्बिटल ऐसे तो होंगे परपेंडिकुलर सारे सारे, मैं कहूंगा ऐसे ऊपर भी परपेंडिकुलर नीचे परपेंडिकुलर, एक लोब तो ऊपर होगी और एक लोब खाओगी नीचे, एक लोब तो नीचे और एक लोब ऊपर, सुनना ध्यान से, एक परत ऐसे और एक परत ऐसे, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे और दोनों बीच की डिस्टेंस क्या है डेल्टा एक्स, समझ में आ रहा हो आपको। अब मान लो जो दिशा में ऊपर वाली है ये परत जिस दिशा में है, अगर मैं उसी दिशा से ऐसे अगर एक्सिस एक्सिस जानते हो ना अक्ष क्या आऊ, अगर इस अक्ष के ऊपर मैं धारा प्रोवाइड करूं इलेक्ट्रिक करंट, तो बताओ ये इलेक्ट्रिक करंट कहां टकराएगा, इस इलेक्ट्रॉन टकराएगा, जैसे टकराएगा ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, बताओ रोटेशन होगा कि नहीं होगा। सुनो ये परत थी, इसके ऑर्बिटल एक लोब ऊपर थी एक लोब नीचे थी, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, जैसे आपने धारा प्रोवाइड की बताओ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि पास पास है ना भाई, ये तो पास पास ही है, घूमेंगे नहीं घूमेंगे। जब इलेक्ट्रॉन का घूर्णन होता है तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन की दो गति होती है, एक तो अक्षीय गति होती है और एक क्या होती है ऑर्बिटल मोशन, भाई तो अक्ष के ऊपर घूमेगा और एक नाभि के चारों घूमेगा, तो बताओ ये घूमेगा, बताओ इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, होगा, बताओ विद्युत का सुचालक होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन मैं कहूंगा इस डायरेक्शन से अगर अलोंग द एक्सिस, इसको बोलते हैं अलोंग द एक्सिस यानी अक्ष के सापेक्ष, अगर इस अक्ष के ऊपर अगर आप धारा डाल रहे हो तो 100% ग्रेफाइट विद्युत का क्या होगा सुचालक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं मूव कर रहे हैं, एक तरह का आप कह सकते हो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस में क्या होता है इलेक्ट्रॉन घूमते तो है, तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन घूम ही तो रहे हैं, ऐसे 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 घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लिख रखा है मैं नोट्स के अंदर पूरी बात समझा रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन घूम ही तो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे मतलब धारा का प्रभाव होगा ही नहीं होगा, अगर धारा का प्रभाव होगा तो मैं कहूँगा ग्रेफाइट जो होती है अलोंग द एक्सिस विद्युत की क्या होती है सुचालक। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऊपर से, सुना ध्यान से, एक परत ये थी एक परत ये थी, एक तो मैंने काम किया इस अक्ष के सापेक्ष, अगर मैं इस अक्ष के सापेक्ष बात कर रहा हूँ तो विद्युत की सुचालक होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा ऊपर रोटेशन होगा ही नहीं होगा, पढ़ा है ना आपने बेंजीन की संरचना ऐसी होती है ऊपर रोटेशन होगा कि नहीं होगा, और रोटेशन का मैं बताऊं इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन मान लो ये एक परत ये थी एक परत ये थी, अब मैं ऊपर से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा देखना ध्यान से, लेकिन मान लो अगर मैं इस परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जानते हो लंबवत, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर लंबवत, अगर इस परत के ऊपर मैं लंबवत दिशा से, अगर लंबवत दिशा से इलेक्ट्रिक करंट डालूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप डालोगे तो इलेक्ट्रिक करंट डालोगे तो एक परत तो ऊपर है एक परत नीचे है, भाई एक परत तो ऊपर है एक परत क्या है नीचे, अब बताओ इन दोनों परतों के बीच की दूरी डेल्टा एक्स है कि नहीं है डेल्टा एक्स, क्या ये दोनों परतें एक दूसरे के पास पास होगी क्या, दिखाने के लिए भाई मेरे पास बोर्ड इतना साइड इसलिए बनाया नहीं, ये दोनों परतें क्या होंगी एक दूसरे दूर दूर, जब ऊपर से आप इलेक्ट्रिक करंट डालोगे तो बताओ क्या ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या है डेल्टा एक्स, जब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे मूव ही नहीं करेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होगा क्या, और जब इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव ही नहीं होगा तो बताओ परपेंडिकुलर जब आप धारा डाल इलेक्ट्रिक करंट डालोगे तो बताओ क्या धारा प्रवाहित होगी क्या नहीं होगी, तो मैं कहूँगा यहाँ से क्या होगा विद्युत का कुचालक, यहाँ से क्या बन जाएगा ये कुचालक और यहाँ से क्या हो जाएगा ये सुचालक, बात समझ मेरी, जैसे आपने यहाँ डाला इलेक्ट्रॉन का रोटेशन स्टार्ट हो गया, ऊपर डालोगे आप तो परपेंडिकुलर है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन जब नीचे जम कर जाते तो ऊपर से ऐसे चलता ना मामला, जब ऐसे चलता बताओ विद्युत का सुचालक होता ही नहीं होता, लेकिन कहूँगा दोनों परतों के बीच की दूरी डेल्टा एक्स है, इतनी दूरी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके नीचे नहीं आ सकता, बताओ विद्युत का कुचालक होगा ही नहीं होगा, सुनो ध्यान से बात। अब आप कह सकते हो ग्रेफाइट जो है वो एन आइसोट्रॉपिक होता है, बोलो कैसे, मैंने कहा था दिशा परिवर्तन के साथ अगर भौतिक गुणों के मान के अंदर भिन्नता रही है, सुना आप ध्यान से, दिशा परिवर्तन के साथ अगर भौतिक गुणों के मान में भिन्नता रही है उसे बोलते हो आप विषम दैशिक, सुना ध्यान से, जब आपने इस दिशा के अंदर बात की तो विद्युत का हो गया सुचालक, लेकिन जब आपने इस दिशा की बात की तो विद्युत का हो गया कुचालक, यानी जैसे आपने दिशा चेंज की इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई चेंज, वापस सुना बांधे, इस दिशा के अंदर तो विद्युत का सुचालक और इस दिशा के अंदर ये विद्युत का क्या हो गया कुचालक, यानी दिशा परिवर्तन के साथ पता भौतिक गुणों की चेंज हुई कि नहीं, ये कुचालक हो गया और ये सुचालक, अगर दिशा परिवर्तन के साथ अगर भौतिक गुणों के मान के अंदर भिन्नता आ रही है तो बताओ एन आइसोट्रोपिक होंगे कि नहीं होंगे, तो कहा जाता है कि ग्रेफाइट जो होते हैं वो विषम दैशिक होते हैं, क्या होते हैं विषम दैशिक, ओके होंगे पता लग गया आपको डाउट, मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बात समझ में आ गई होगी, इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हो कि वाकई में ग्रेफाइट क्या होते हैं विद्युत के वो विषम दैशिक, लेकिन ध्यान रखना ये कुचालक भी होते हैं और सुचालक, कंडीशन क्या होगी परपेंडिकुलर है तो इंसुलेटर यानी कुचालक होंगे, अगर एक्जियल है तो सुचालक यानी अपने पास होंगे कंडक्टर, बात समझ में आ गई होगी, इस प्रकार ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होता है और कुचालक, कोई अपवाद नहीं होता, बात समझ में आ गई होगी, अपवाद कुछ भी नहीं है भाई, आपके सामने बता दिया मैंने, आप फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से आप बात कर सकते हो, ठीक है, इसलिए ग्रेफाइट को और डायमंड को क्या बोलते हैं हम नेटवर्क सॉलिड, तो ये नेटवर्क का निर्माण कर लेते अलग अलग, ये था और बाकी सॉलिड में देखने वाली बात आएगी। अब इसके बाद आज का लेक्चर अपना इतना ही होगा, समझाना था मेरे को आपको, आप ये ना समझोगे सर कुछ बताया नहीं और आपने आगे किसका दिया, अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन जितना पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे।
अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, अब जो भी लेक्चर हमारा होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर बात करने वाले हैं लैटिस की। अब यहाँ से ये समझ लो कि आपका काम चालू हो गया बोर्ड का, ये नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। देख लो, मैंने बताया था ना आपको 2018 के अंदर एक ही क्वेश्चन पूछा था, एक लाइन का पहला ही क्वेश्चन था, पेपर का पहला ही क्वेश्चन ये था कि किसी भी एक नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल बताओ। क्या था उसके अंदर? डायमंड या ग्रेफाइट, आपकी इच्छा है जो लिख के आ जाओ, हो गया काम फ्री। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे लैटिस, हिंदी में बोलते हैं इसको जालक। क्या बोलते हैं भाई? जालक। ये जालक क्या बीमारी है भाई? क्या होता है लैटिस? कैसे बताएंगे, क्या समझाएंगे, बात करेंगे हम नेक्स्ट लेसन के अंदर। जब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।